हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं इसके पहले की वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का स्टेजेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रही थी, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि टीचर डेवलपमेंट की स्टेज कितने हैं, उनमें सर्वाइवल स्टेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे, जिसमें टीचर डेवलपमेंट का जो दूसरा स्टेज है, कंसोलिडेशन स्टेज यानी समेकन अवस्था, आज इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। कंसोलिडेशन स्टेज यानी समेकन अवस्था, जब टीचिंग प्रोफेशन को जब एक टीचर अपनाता है, तो 1 ईयर का जो समय होता है वो तो सर्वाइवल स्टेज का था। इसके बाद सर्वाइवल स्टेज को पार करने के बाद यानी 1 साल के बाद, जब वह दूसरे यानी कि दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है, तो उसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन स्टेज यानी समेकन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में टीचर क्या करता है उसे हम एक एक करके देखेंगे। पहला है बीइंग टू थिंक अबाउट द इंस्ट्रक्शनल नीड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इस अवस्था में, इस स्टेज में टीचर स्टूडेंट्स के जो इंस्ट्रक्शनल नीड है उनके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। और यानी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को जो भी जरूरत है उसी किसी भी प्रकार से वो उसे मुहैया कराते हैं। सेकंड देखते हैं, रिकॉग्नाइज दैट देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन व्हाट दे डू एंड हाउ वेल स्टूडेंट्स लर्न, यानी टीचर क्या इस अवस्था में, इस स्टेज में क्या करते हैं, स्टूडेंट से कनेक्शन यानी कि संपर्क रखते हैं, जिससे वे यह जान सके कि स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं और कैसे लर्न कर रहे हैं, इस पर भी नए जो टीचर हैं वो ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रूटीन्स इजिली, यानी समेकन अवस्था यानी कि कंसंट्रेशन स्टेज में टीचर क्या करते हैं, टीचर स्कूल्स के जो रूल्स और रूटीन्स होते हैं उसे इजिली इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्हें विद्यालय में जो भी नियम होते हैं उनके और जो भी रूटीन होते हैं उसे वे आसानी से लागू करते हैं, उसे लागू करने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट, आस्क हाउ कैन आई चेंज माई इंस्ट्रक्शन सो ऑल स्टूडेंट्स लर्न, कहने का यहाँ यही कह रहा है कि इस अवस्था में टीचर क्या करते हैं, खुद से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं इंस्ट्रक्शन को कैसे बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ, जिसके जरिए स्टूडेंट क्या कर सके, आसानी से सीख सके। तो ये देखिए हम लोग कि टीचर्स स्टेज में क्या करता है और कैसे करता है। आगे देखते हैं, मेंटर्स कैन बी मोस्ट हेल्पफुल इफ, यानी इस स्टेज में जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, जो अनुभवी परामर्शदाता के रूप में कार्य
कार्य करते हैं, किस प्रकार वे नए जो शिक्षक होते हैं उसका किस प्रकार से मदद करते हैं, इसे हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है शेयर आइडियाज विद द टीचर, यानी जो एक्सपीरियंस अनुभवी टीचर होते हैं वे न्यू टीचर के साथ अपने आइडिया अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर कोई न्यू टीचर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे कह सकते हैं कि आप इस कार्य को जो कर रहे हैं वो तो ठीक ढंग से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसे इस प्रकार से करेंगे तो ये कार्य और भी बेहतर हो जाएगा। ऐसा सजेशन उन्हें दे सकते हैं, अपने आइडिया बता सकते हैं। इस प्रकार वे अपने आइडिया अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं जो न्यू टीचर हैं उनके साथ, जिससे नए टीचर उस कार्य को और भी बेहतर रूप से अपने बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा। नेक्स्ट देखेंगे को टीच विथ द टीचर, यानी जो परामर्शदाता के रूप में अनुभवी शिक्षक होते हैं वो न्यू टीचर के साथ को टीचिंग यानी कि सह शिक्षण भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक को अगर पढ़ाना है तो वो उनके साथ मिलकर उस टॉपिक को एक साथ डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्व एंड गिव फीडबैक, ये भी बहुत जरूरी है कि एक्सपीरियंस टीचर जो होंगे वो न्यू टीचर को ऑब्जर्व करें और साथ ही उसे फीडबैक भी दें, जिससे क्या होगा, जिससे जो न्यू टीचर है उनके टीचिंग या वर्क जो वो कर रहे हैं उसमें सुधार हो सकेगा और वे बेहतर रूप से सीख सकेंगे। नेक्स्ट है ब्रिंग न्यू रिसोर्सेस टू द टीचर्स अटेंशंस, यानी जो भी न्यू रिसोर्सेस की जरूरत होगी न्यू टीचर को उसे किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी जो एक्सपीरियंस टीचर है मेंटर्स है वो ध्यान दे सकते हैं, चाहे वो बुक से रिलेटेड रिसोर्सेस हो, चाहे टीचिंग एड से रिलेटेड रिसोर्सेस हो, कोई भी रिसोर्सेस हो सकता है। तो इस प्रकार रिसोर्सेस को उपलब्ध कराने में उस पर ध्यान देने में वो कार्य कर सकते हैं, एक न्यू टीचर्स की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एंगेज द टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इस अवस्था में जो अनुभवी टीचर होते हैं वे न्यू टीचर को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एंगेज कर सकते हैं, उन्हें व्यस्त रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो न्यू टीचर के सामने कोई अगर प्रॉब्लम आए तो उसे एक्सपीरियंस टीचर खुद ही सॉल्व करके नहीं देते, बल्कि उसे मार्गदर्शन देना चाहिए कि उसे जो न्यू टीचर है उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे, जिससे उन्हें सीख मिलेगी और उस कार्य को वो अनुभव भी उस कार्य का उन्हें अनुभव प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्ट द टीचर्स टू अदर नेटवर्क्स फॉर सपोर्ट एंड आइडिया एक्सचेंज, यानी इंट्रोड्यूस करना, जो भी न्यू टीचर होंगे वो अदर जो भी रिसोर्सेस होंगे जो भी आइडिया होंगे उससे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं या परिचित करा सकते हैं न्यू टीचर को एक्सपीरियंस टीचर, ताकि वो क्या कर सकेंगे अपने विचारों का सही रूप से उस चीज को अगर जान लेंगे उस चीज से रूबरू हो जाएंगे तो उस चीज का आदान प्रदान
विचारों का आदान प्रदान उस संबंध में अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उन्हें अन्य जो नेटवर्किंग है उनके बारे में भी जानकारी होगी और उससे भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा, एक सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एंगेज द टीचर इन प्रोफेशनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट इंक्लूड टीचर्स अदर देन न्यू टीचर। यानी जो न्यू टीचर होंगे वो एक्सपीरियंस टीचर के साथ प्रोफेशनल कार्य में व्यस्त या संलग्न रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सपीरियंस टीचर न्यू टीचर के साथ प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो उनसे उन्हें सीखने का अनुभव प्राप्त होगा और वो उस जो भी कार्य होंगे उसे जल्द सीख लेंगे और उन्हें साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी जल्द हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज समेकन अवस्था यानी कि कंसिडरेशन स्टेज को देखा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तीसरे स्टेज के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।